अयोध्या में 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन किए जाने के बाद राम मंदिर निर्माण का काम फिर तेजी से हो चुका है। ताजा जानकारी के मुताबिक राम जन्मभूमि परिसर के पत्थरों को ले जाने का काम भी शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि वैदिक रीति रिवाज से पूजा के बाद पत्थरों को ले जाने का काम शुरू किया गया है। LNT कंपनी की मशीनों ने पत्थर को ले जाने का काम किया है। राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले भारी भरकम पत्थरों को ले जाने के लिए क्रेन मशीन और ट्रक लगाए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने भी इस बात की पुष्टि की है। शुक्रवार शाम को ट्रस्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये जानकारी शेयर की गई है। ट्रस्ट के ट्वीट में लिखा गया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए तराशे गए पत्थरों को कार्यशाला से मंदिर परिसर में स्थानांतरित करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। इन्हीं पत्थरों से भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संजीव सिंह संवाददाता हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, राम मंदिर निर्माण के लिए पहला पड़ाव पूरा हो गया है, क्या जानकारी मिल पाई है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का एक पड़ाव पूरा हो गया है और पत्थर ले जाए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी ट्रस्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी शेयर की गई है। आपको बता दें कि इसके लिए पत्थर ले जाने के लिए क्रेन और ट्रकों का सहारा लिया गया है। LNT कंपनी की मशीनों ने पत्थरों को ले जाने का काम किया जा रहा है और राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले भारी भरकम पत्थरों को ले जाने के लिए क्रेन मशीन और ट्रक लगाए गए हैं। इसी के साथ ही इसकी पुष्टि जो है वो शुक्रवार शाम को ट्रस्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से की गई है शेयर। ट्रस्ट के ट्वीट में लिखा गया है, श्री राम मंदिर निर्माण के लिए तराशे गए पत्थरों को कार्यशाला से मंदिर परिसर में स्थानांतरित करने का काम शुरू हो गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।